बन्या प्रभावितंक पई दान मागिला पाकिस्तान। 10 बिलियन डॉलर दिया जिवो बोली सारा विश्व देला प्रतिश्रुति। हेले दिया जाउथिबा अर्थ दान नुहे बरंग ऋण शुद्ध मूल करी परिशोध करबाकू पड़िबो। पाकिस्तानरो आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब थिबा कारणरो केउ देशरो किछि अर्थ मिलि जिवो सेही प्रयासरे पाकिस्तान रहिछि। पाकिस्तानर प्रधानमंत्री शेहबाज शरीफ ठारु आरंभ करी वैदेशिक मंत्री बिलावल भुट्टो जाए एवं एपरी सेना मुख्य मध्य विभिन्न देशक जाए अर्थ मागिबारे लागिछन्ति। पाकिस्तान रे आसीथिबा भयंकर बन्या कारणरो प्रभावित लोकमानंकु देखाई विश्व समुदाय ठारु अर्थ आदाय करबाको मध्य पाकिस्तान चेष्टा करिछि। तेबे बन्या पीड़ितों पर अर्थ जोगाड़ करने को पाकिस्तान सरकार जातिसंघ्र साहाज्य नहीं एने जेनिवाठारे एक बैठक मध्य होइतिला। सेथिरे बन्या प्रभावित पाकिस्तान पर अर्थ प्रदान करने को अनुरोध करा जायतिला। सेठारे उपस्थित देश अन्य आर्थिक संस्था माने 10 बिलियन अमेरिकियो डॉलर प्रदान करने को प्रतिश्रुति देइथिले। एही खबर आसिबा परे पाकिस्तानर प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और वैदेशिक मंत्री बिलावल भुट्टो प्रशंसा रे पाकिस्तान रे प्रशंसा गान करा जिबा आरंभ होई जायथिला। पाकिस्तानी मीडिया सेमानंकु प्रशंसा रे पोतुथिबा देखिबाकु मिलथिला। हेले एक कथित 10 बिलियन अमेरिकियो डॉलर रो सहायतार सत्यता सामनाकु आसी जायछि। एहार रहस्य उद्घाटन आउ केहि नुहे बरंग पाकिस्तानर अर्थमंत्री इसहाक डार करिछन्ति। पाकिस्तानर अर्थमंत्री डार्क वक्तव्य तांकर प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को मिछुआ बोली प्रमाणित करिछि। प्रथमे पाकिस्तानर किछि गणमाध्यम रे एही राशि दान नुहे बरंग ऋण बोली रिपोर्ट प्रकाशित करिथिले। परे पाकिस्तानर अर्थमंत्री डार्क वक्तव्य देई उक्त गणमाध्यम रो रिपोर्ट को अनुमोदन करि देइछन्ति। पाकिस्तानर सबुठारु बड़ संवादपत्र डॉन रे संपादकीय रे एक स्पेशल रिपोर्ट रे उल्लेख करा जायछि जे जेनेवा ठारे पाकिस्तान को 10 बिलियन डॉलर प्रदान करा जिवार जो प्रतिश्रुति दिया जायछि वास्तव रे ताहा कोनोसी दान नहुए बरंग ऋण। एही राशि मध्य एका थरे मिलिबो नाही बरंग आगामी 3 वर्ष मध्य रे विभिन्न किस्त रे मिलिबो। डॉन संवादपत्र रे एही रिपोर्ट प्रकाशित हेबा परे अर्थमंत्री डार कहिछन्ति जे ए राशि मध्यरु पाखापाखि 90% हेउछि ऋण। एहा हेउछि वास्तविकता। आमे जेनेवा ठारे समस्तकु बिना शर्तरे सहायता अर्थात साहाज्य मागिथिलु हेले आमकु ता मिलला नाही बरं ऋण मिलला।